ओम शम शनिश्चराय नमः। साथियों, कई बार अपनी तरफ से गंभीर मेहनत करने, बहुत ज्यादा प्रयास करने और सभी दिशाओं से प्रयास करने के बावजूद भी अपने बच्चों का हम रिश्ता नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि हमारी जो बिटिया है उसको एक ऐसा ससुराल मिले जहां पर वो राज करे। हम चाहते हैं कि हमारा जो सुपुत्र है, वो कहने को तो सुपुत्र है, चाहे वो नालायक ही क्यों ना हो, उसके लिए हमें सर्वगुण संपन्न कन्या चाहिए। तो विवाह के तमाम प्रयास करने के बावजूद भी यदि चारों तरफ से हमें केवल निराशा मिलती है, कहीं पर शादी की बात चलती है, थोड़ी सी आगे बढ़ती है, वापस वहीं पर रुक जाती है, तो शादी में देरी का, बहुत ज्यादा देरी का, इतनी गंभीर देरी का कि कई मामलों में जातक 40, 45 और इससे भी कई बार अधिक उम्र का हो जाता है, परंतु उसके हाथ पीले नहीं हो पाते। क्या कारण है? एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस दोहे में एक बात स्पष्ट है कि जो भी हमें कार्य करना है उसमें अति उत्तेजना, अति उत्सुकता नहीं दिखानी है, धैर्य रखना है, धीरे धीरे रे मना, ऐसा कहा है कवि ने। पर हम ये समझते हैं कि विवाह की जो योग्य आयु है आज की तारीख में भारतवर्ष में, वो हम समझते हैं कि 25 वर्ष के आसपास है। तो धीरे धीरे रे मना, व्यक्ति 30 तक, 32 तक इंतजार करेगा, उसके बाद तो उसको निश्चित तौर पर, और जाहिर सी बात है कि इस बात से चिंतित तो होना ही पड़ेगा कि भाई आखिर मेरी शादी होगी भी या नहीं होगी, इस जन्म में मुझे कंवारे ही इस लोक से परलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। साथियों, ऐसी सभी स्थितियों में हमें हमारी जन्म पत्रिका में शनिदेव पर दृष्टिपात करने की जरूरत है, क्योंकि जहां पर देरी है वो बिना शनिदेव की आज्ञा के किसी भी कार्य में देरी संभव ही नहीं है। तो आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपके या आपके किसी अपने की शादी में ज़रूरत से ज़्यादा, इसको आप अंडरलाइन करिए, ज़रूरत से ज़्यादा देरी हो रही है तो उसका कारण क्या है, और उसका इतना सरलतम और शीघ्रतम उपाय क्या है जो कि आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जब भी किसी भी जातक की जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में, सप्तम भाव जो कि विवाह का भाव है, सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य जीवन का भाव है, यदि वहां पर शनिदेव विराजमान है, तो आप इस सिद्धांत को गांठ बांध लीजिए कि उस जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में विवाह में देरी होगी ही होगी। पहला सिद्धांत। अब ऐसा क्यों है? इसका सीधा सीधा संबंध पिछले जन्म से है। देखिए, शनि है न्यायाधीश और शनि का कार्य है आपको अपने कार्यों, चाहे वो इस जन्म के कार्य हो या पिछले कई पूर्व जन्मों के कार्य हो, उसके अनुरूप इस जन्म में, जिसको कि हम प्रारब्ध कहते हैं, आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराना है। तो ये आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि पिछले किसी जन्म में आपने या तो अपने जीवन साथी पर जरूरत से ज्यादा अत्याचार किए और उसी का ये रिजल्ट आपको मिल रहा है कि आपको लगभग लगभग ऐसी स्थिति में भेज दिया है कि शादी आपकी बिल्कुल नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं कहने का मतलब कि सगाई भी कई मामलों में नहीं हो रही, शादी तो बहुत दूर की बात है। तो आज एक जन्म पत्रिका के माध्यम से हम ये जानते हैं
कि कौन कौन से ऐसे समीकरण हैं जब सप्तम भाव में शनि रहते हुए और किस ग्रह के साथ में युति करके वो कौन कौन से ऐसे कारण उत्पन्न करता है जिससे कि व्यक्ति केवल हाथ मलता रह जाता है और विवाह उसका संपन्न नहीं हो पाता। और खुशी की बात यह है कि हम अंत में एक बहुत ही सरल उपाय भी जानेंगे। तो साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये किसी भी लग्न की जन्म पत्रिका हो सकती है। सभी लग्नों पर ये अक्षरशः लागू है। सबसे पहले बात करते हैं कि सप्तम भाव में यदि शनिदेव सूर्य के साथ में युति करके विराजमान है, सूर्य जो कि इनके नैसर्गिक शत्रु है, ऐसा जो व्यक्ति है उच्च शिक्षित होगा, हायर एजुकेटेड होगा, बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल होगा। और सबसे बड़ी विडंबना यह होगी कि जब उसकी शादी की एज होती है 22, 23, 24, 25, 26 वर्ष, उसके पास ढेर सारे रिश्ते आते हैं और वो एक ही कार्य करता है, रिजेक्शन। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा रिजेक्शन। अब बाद में स्थिति ऐसी आ जाती है कि लोग उसको रिजेक्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। लगभग 28-29 वर्ष तक की आयु तक ऐसा व्यक्ति घोर अहंकार में रहता है कि मेरी शादी नहीं होगी तो फिर दुनिया में किसकी होगी शादी। और इस प्रकार का जो अहंकार है वो उसको ले डूबता है। और ये स्थिति ये देखी गई है कि शनि की यदि महादशा इनको चल रही है, 7.5 चल रही है, 2.5 चल रही है, तो इनको शादी के लाले पड़ जाते हैं। साथियों, दूसरी स्थिति है विष दोष की स्थिति। शनि और चंद्रमा, यदि इन दोनों की युति सप्तम भाव में है और शनि की महादशा यदि चल रही है या चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है, ऐसा भी कन्या या ऐसा जो लड़का है सभी प्रकार से योग्य होगा। शारीरिक रूप से पूरा फिट होगा, आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा होगा, सामाजिक स्तर अच्छा होगा। लोग ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इस लड़के या लड़की की शादी आखिर नहीं हो रही है तो इसके पीछे कारण क्या है, कोई समझ नहीं आ रहा कारण। माता पिता तो चिंतित हैं ही, माता इनकी, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है, इनकी शादी ना हो पाने के चिंता में माता घोर डिप्रेशन में चली जाती है। और माता पिता इनको ये भी छूट देते हैं कि बेटा या बेटी जो भी ये है कि भाई हमसे तो अब नहीं ढूंढा जा रहा, तू अपनी तरफ से तलाश कर ले, तू जिसको भी पसंद करेगा या जिसको भी पसंद करेगी उससे तेरा विवाह संपन्न कर दिया जाएगा। परंतु शनि अपना काम यहां पर इतनी आसानी से होने नहीं देंगे। लगभग ऐसी ही या कई मामलों में इससे भी गंभीर स्थिति है कि यदि सप्तम भाव में शनि मंगल के साथ में युति करके बैठ जाए, एक तो है ये करेला, और उस करेले के ऊपर नीम का लेप कर दिया जाए, वो स्थिति है ये। प्रबल रूप से मंगली हो गया जातक, शादी में तो देरी होगी ही और इनके जीवन में प्रेम संबंधों के जो घटक है उनका इनको कोई लाभ नहीं मिलेगा, प्यार में स्पष्ट रूप से धोखा इनको मिलता चला जाएगा। एक और घटना मुसलसल या लगातार इनके साथ में होगी कि इनकी बात चलेगी, रिश्ते इनके पास में आएंगे, परंतु वो 99.9% पे आकर के गाड़ी इनकी अटक जाएगी। बात करते हैं अगले ग्रह की युति की। यदि सप्तम भाव में शनिदेव जो कि न्यायाधीश हैं बुध के साथ में युति करके बैठ जाए, और बुध की ये विशेषता है साथियों कि बुध जिस किसी के साथ में होता है अपना परिणाम वो वैसा ही बना लेता है। ऐसे व्यक्ति की बात चलना, सगाई होना, रोका होना, मंगनी होना, और कई मामलों में तो 3-3 सगाइयाँ, ये स्थिति व्यक्ति की तुड़वा करके ही दम लेती है। ये प्रेम संबंधों में जब पढ़ते हैं, क्योंकि बुद्धि का अधिपति भी है बुध, तो ये अपनी तरफ से कह ही नहीं पाते। अगर इनकी सगाई हो जाती है और ये अपने भावी जीवन साथी के साथ में जो भी वार्तालाप, आजकल आप समझते हैं कि जो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जो दूसरे प्रकार के सोशल मीडिया हैं, उसमें कुछ इस प्रकार की बातें ये कर बैठते हैं कि वो इनका संबंध वहीं पर क्षतिग्रस्त होकर के रह जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, बात करते हैं एक और युति की। यदि शनिदेव सप्तम भाव में गुरु अर्थात देव गुरु बृहस्पति के साथ में विराजमान होकर के बैठ जाएं, रिश्ते आने ही नहीं देंगे। शनि की दशा या गुरु की दशा अंतर दशा चल रही है, इनके लिए रिश्ते आएंगे ही नहीं।
ये चला करके रिश्ता प्राप्त करने की कोशिश भी करेंगे तो वहाँ से इनको नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेगा। इनको कोई कारण ही नहीं बताया जाएगा, ये पूछेंगे भी ना कि भाई आप शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं, कोई कारण तो बताइए, कोई कारण नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ कर देंगे वो। इनका मन भी गुरुदेव परिवर्तित कर देगा। कई बार ये 35 वर्ष की बाद में इस प्रकार की सोच भी अपने दिमाग में ला सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है मैं शादी करूँ। कई तर्क भी ये गिनाने लगेंगे कि दुनिया के जो महानतम लोग हैं उन्होंने शादी नहीं करी, हम भी नहीं करेंगे, तो कौन सा पहाड़ जो है वो टूट पड़ेगा। और यदि किसी कारण, किसी गोचर की परिस्थिति के वश ये विवाह करवा भी देता है तो शनि और गुरु की सप्तम भाव में युति इनका शीघ्रतम तलाक करा देती है। साथियों बात करते हैं शनि और शुक्र, हालांकि दोनों परम मित्र हैं परंतु शनि और शुक्र दोनों ही यदि सप्तम भाव में साथियों विराजमान हैं तो प्रेम में कई बार धोखे इनको मिलेंगे। अब कई बार की कोई गिनती तो है नहीं परंतु फिर भी 3-4-5 बार तो आप समझ ही लीजिए। और इनके अंदर ये युति बहुत जल्दी मैच्योरिटी लेकर के आ जाती है। 25 साल की उम्र में इनको इतना अनुभव हो जाता है जो कि शायद किसी 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति में हो। और विवाह इनका यदि किसी गोचर की परिस्थिति के वश संपन्न हो भी जाए तो ये दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य स्पष्ट रूप से कर देता है। एक और युति की बात कर लेते हैं। यदि शनिदेव यहाँ पर राहु या केतु इन दोनों में से किसी एक के साथ में है और ऊपर से यदि शनि की ढैया, शनि की महादशा, शनि की साढ़े साथी, राहु की, केतु की दशा, अंतरदशा यदि चल रही है तो इनका विवाह हो करके कुछ माह के भीतर ही डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। इन सभी मामलों में शनिदेव विवाह में अननेसेसरी और बहुत पीड़ादायक, देखिए मैं ऐसे माता पिताओं से निरंतर मिलता हूँ और जब उनकी आंखों से मैं अश्रुधार बहते देखता हूँ तो साथियों कई बार मेरी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब या तो हम अपनी ईह लीला, अपना जीवन समाप्त कर दें, हमारी बेटी की शादी अगर होगी तो कब होगी। इसीलिए मैंने आज आपको कारण भी बताए और यकीन मानिए मैं अपने दिल पर हाथ रख करके ये आपको बात बतला रहा हूँ कि ये उपाय स्वयं जातक या जातिका ने कर लिया तो एक माह के भीतर ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ रिश्ता आएगा। कुंडली आपको ज़रूर मिलानी है। श्रावण मास साथियों अभी आने को है, क्योंकि ये उपाय यदि आप श्रावण मास में करेंगे तो सर्वोत्तम है। परंतु किसी कारणवश, देखिए प्रयास आपको श्रावण मास का ही करना है, परंतु किसी कारणवश यदि आप श्रावण मास में नहीं कर पाते हैं तो किसी अमावस्या से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। जिस कार्य के लिए हमारा ये चैनल विख्यात है, सरलतम उपाय, हर किसी की पहुंच के उपाय, बिना खर्चे के उपाय, बिना कर्मकांड के उपाय, आपके घर के नज़दीक कहीं ना कहीं शिवालय होगा, महादेव का मंदिर होगा, शिवलिंग वहाँ पर स्थापित होगा। तो श्रावण मास में आप एक ही कार्य करिए कि एक बिल्व पत्र रोज़ाना आपको महादेव को समर्पित करना है और एक लोटा जल समर्पित करना है पूरे श्रावण मास। बहनों के लिए जो नैसर्गिक बाधा आ जाती है उन दिनों के अतिरिक्त बहनों को पूरा एक मास करना है। और जब वहाँ पर आप बिल्वपत्र समर्पित कर दें, एक लोटा जल से अभिषेक कर दें तो तुलसी की माला से, तुलसी की माला सहज ही उपलब्ध है, प्राण प्रतिष्ठित यदि हो तो फिर कहना ही क्या, सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी। तो तुलसी की उस माला से पहले आपको ओम नमः शिवाय इसकी एक माला करनी है और इसके तुरंत बाद में ओम शम शनिश्चराय नमः, ये दो मालाएं करनी, केवल एक रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा और रिश्ता आपके लिए चला करके आएगा। अनुभव सिद्ध उपाय है। देखिए साथियों हमारी जिम्मेदारी है आपको शोध परक और तथ्य परक उपाय लेकर के आने की, गहरे पानी से मोती खोज करके लाने की। अब यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन सरल उपायों को अपनाएं और मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, क्योंकि मैं इसको लेकर के विश्वस्त हूं कि आपका एक माह के भीतर विवाह की तैयारी का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं और साथ ही कुंडली मिलान जरूर करिएगा
और अपनी शादी में बुलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज साथियों इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।